आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण? जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं, जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है वैसे वैसे ही एक से एक नई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी, अयोध्या में पुष्पक विमान की घटना सामने आई थी तथा अयोध्या में नागों की घटना सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि आठ चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ, यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे, जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है विभीषण। विभीषण जी जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मारेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता है। दोस्तों, महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के सहयोग से तीन पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस एक दिन के लिए ही जाता था। अंत में विभीषण ने भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौट के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक के विजयी बना। विभीषण भी लंका में रावण के साथ रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गद्दा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के द्वारा निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम के चरण में चले गए। वह चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पढ़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बात कर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति ना देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ।
फिर कुछ देर में हनुमान जी ने कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण की सख्त चिरंजीवियों में एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, वह भी आज सहशरीर जीवित है। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड़वानल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया, फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों ही भयमुक्त जीवन और राजपट मिला। इसी तरह हनुमान अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। मित्रों, विभीषण जी की ऐसी भक्ति देखकर भी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप पक्के सनातनी नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तैयारी करें। आने वाली 22 जनवरी 2024 की भव्य राम वाली दिवाली के लिए इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। और आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना ना भूलें।